अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, कोविड से बचे हुए होंगे। तो व्यूअर्स, आज जो है वो जो मैं जॉब्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। 29 अप्रैल से ये जॉब पोस्टेड हो चुकी हैं और ये ऑलमोस्ट अभी चल रही हैं। आप लोग इसमें अभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो प्रॉपर इसको चेक करने के लिए आपको विज़िट करना होगा jobs24pk.com पे। ये हमने विज़िट कर लिया, इसको ओपन होने दें ज़रा। अच्छा, इसे ओपन होने दें। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए इसे, और जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे आपको एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की एक बॉक्स या स्लॉट मिलेगी। आप ये देख सकते हैं कि फोर्थ नंबर पे ECP जॉब्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसको टैप कीजिए। इसे ज़रा ओपन होने दें, मेरा ज़रा नेट स्लो है। आप ज़रा नीचे आइए तो आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट जो है वो जॉब्स हैं। तो वो कह रहा है कि लेटेस्ट PO बॉक्स नंबर 14818 GPO ECP जॉब्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जॉब। अच्छा, इसके एप्लीकेशन के लिए प्रॉपर इसको अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं, इसको नीचे आएंगे तो देख सकते हैं 29 अप्रैल को ये पोस्टेड है और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 30 मई है। तो अभी ये चल रहा है तो अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस पे आपको जो एप्लीकेशन जो पोस्ट करनी है, ये एड्रेस दिया हुआ है PO बॉक्स नंबर 14118 GPO इस्लामाबाद, इस पे आपने एप्लीकेशन अपनी पोस्ट करनी है। तो आप देख सकते हैं एजुकेशन के लिए बैचलर, मास्टर, LLB कम, तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। ISB के लिए, बलोचिस्तान, KPK के लिए, पंजाब और सिंध की पोस्ट हैं। 59 पोजिशन हैं इसमें। अच्छा, आपको इसके लिए क्या करना होगा, ECP.government.pk पे जाके आपको इसके लिए आपको करना ये है कि आपने जो है वो www.ecp.government.pk पे चले जाना है। जैसे आप इस पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इलेक्शन ऑफिसर BPA 17, क्लिक हियर टू सी द एडवर्टाइजमेंट। जो पहला इसमें है वो एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, दूसरा ब्लैक वाला आप अप्लाई कर सकते हैं, तीसरे में इसका आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इलेक्शन ऑफिसर के लिए। आप इस पे अगर अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने इसको अप्लाई के लिए क्लिक किया, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशन सब मेंशन है और ये यहाँ से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, आप इसको फिल करके जो मैंने आपको एड्रेस वो नीचे जो मेंशन था उस पे आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। GPO वाला जो एड्रेस था इस पर आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। तो साथ आपने जो इस पर चीज़ें अटेस्टेड करके लगवानी है, ये अटैच करनी है, आपने अपनी CNIC की कॉपी अटैच करके लगानी है। अनसाइंड फॉर्म शेल बी रिजेक्टेड, ठीक है, मतलब सही से सिग्नेचर करके इसको अच्छे तरीके से आपने प्रॉपर फिल करना है और उसके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आपको साइन किया जाएगा या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर किसी को कोई भाई को क्वेरी हो या किसी कुछ भी आपने पूछना हो या आपको कुछ समझ में नहीं आई, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना के प्रॉपर आपको दोबारा से बता दूँगा।